उसने हमें ये कहा कि जो मॉर्निंग की फ़्लाइट है वो डब्ल्यू एक्स और वाई उड़ा सकता है, तो हमने मॉर्निंग में जो पायलट उड़ा सकते हैं उनके नाम मॉर्निंग के साथ नोट कर दिए। अगली इन्फॉर्मेशन क्या है, ओनली वी एक्स एंड जेड कैन फ्लाई दी आफ्टरनून फ्लाइट। वी एक्स एंड जेड, तो आफ्टरनून में वी और एक्स और जेड, ये तीन पायलट अवेलेबल है। तो हम इसमें देखें तो एक कॉमन पायलट हमें नजर आ रहा है, एक्स मॉर्निंग में भी है और एक्स आफ्टरनून में भी है, जबकि जो हमारे पास पायलट हैं बाकी वो क्या हैं, वी एक्स और जेड। वी एक्स और जेड, तो एक्स दोनों में कॉमन है बाकी कॉमन नहीं। उसके बाद नो पायलट में फ्लाई ट्वाइस ऑन द सेम डे, एक ही दिन में कोई भी पायलट दो दफा फ्लाइट नहीं उड़ाएगा। इसका मतलब है जिस पायलट ने मॉर्निंग में फ्लाइट उड़ाई है वो आफ्टरनून में नहीं होगा, और जिसकी ड्यूटी आपने आफ्टरनून में लगाई है वो मॉर्निंग में नहीं होगा। उससे अगली बात फिर उसने कही कि नो पायलट मे फ्लाई ऑन टू कंसेक्टिव डेज, कंसेक्टिव साथ साथ वाले, तो कोई पायलट दो मुसलसल दिन फ्लाइट नहीं उड़ाएगा। इसका मतलब है जो पायलट आज फ्लाइट पे जाएगा वो कल नहीं जाएगा, कल वो रेस्ट करेगा, परसों अलबत्ता जा सकता है, उस पर पाबंदी नहीं है। तो कंसेक्टिव डेज से मना किया, दो दिन साथ साथ वाले, एक दिन ड्यूटी दी है तो उससे अगले दिन ड्यूटी नहीं देगा। तो ये दोनों बातें जनरल हैं, इनको हमें नोट करने की कोई खास जरूरत नहीं है, इन्हें जहन में वैसे ही रखा जा सकता है। उससे नेक्स्ट है एक्स मस्ट फ्लाई दी वेंसडे मॉर्निंग फ्लाइट। ये उसने दो बातें हमें फिक्स की, बल्कि कहना चाहिए तीन। एक तो बताया एक्स जो है उसकी फ्लाइट के बारे में, और दिन फिक्स किया वेंसडे का और मॉर्निंग का। तो इसे हमें वेंसडे मॉर्निंग में ऐड करना है हमारे टाइम टेबल के अंदर, जहां पे वेंसडे मॉर्निंग की बात हो रही है वहां पे हम क्या करेंगे, वेंसडे मॉर्निंग है तो वेंसडे मॉर्निंग में पायलट एक्स जो है वो फ्लाइट उड़ाएगा, ये हमने एंटर कर दिया। दूसरी इंफॉर्मेशन उसने हमें क्या दी है उसको देखते हैं। जेड मस्ट फ्लाई दी ट्यूजडे आफ्टरनून फ्लाइट, ट्यूजडे आफ्टरनून, ट्यूजडे आफ्टरनून और जेड, ट्यूजडे आफ्टरनून और उसमें है जेड, ये इंफॉर्मेशन भी उसने हमें दे दी। अब अगर हम सारी इंफॉर्मेशन को जहन में रखते हुए कुछ ट्राई करें तो जो बात हमें समझ आती है उसको अगर हम एंटर करें, ये दो बातें तो उसने गोया हमारे पास फिक्स कर दी ना, कि जो एक्स है वो पक्का हमें पता है वेंसडे मॉर्निंग में, और जेड का पक्का पता है कि ट्यूसडे आफ्टरनून में, लेकिन बाकी डेज और टाइमिंग के बारे में उसने हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो एक बात तो हमें पता है कि अगर एक्स ने वेंसडे को फ्लाई किया है तो एक्स फिर थर्सडे में नहीं आ सकता और ट्यूसडे में भी नहीं आ सकता। तो इट मीन्स के एक्स जो है वो ना ट्यूसडे में होगा और ना एक्स थर्सडे में होगा। ये मैंने इसको नोट कर लिया रेड कलर में कि एक्स ने जिन दिनों में नहीं होना। इसी तरह अगर जेड ट्यूसडे में है तो इसका मतलब है जेड मंडे में भी नहीं हो सकता और जेड वेंसडे में भी नहीं हो सकता। और एक्स अगर वेंसडे को है तो वो ट्यूसडे की और थर्सडे की ना मॉर्निंग में हो सकता है ना आफ्टरनून में हो सकता है, तो एक्स इधर भी नहीं होगा, एक्स इधर भी नहीं होगा। ये कुछ बुनियादी पाबंदियां लग गई। फिर पायलट जो हैं वो तीन है मॉर्निंग के लिए, W, X और Y। तो अगर ट्यूसडे को X ने नहीं फ्लाइट लेनी तो इसका मतलब है W या Y में से कोई फ्लाइट लेगा। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस बात को भी एंटर कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि भाई ट्यूसडे में पॉसिबिलिटी किसकी है, Y की या W की। इसी तरह इस दिन में भी किसकी है, Y की या W की, क्योंकि बीच में एक दिन का गैप आ जाएगा। तो अगर इस दिन Y ने फ्लाई किया तो अगले थर्सडे को भी Y फ्लाई कर सकता है, लेकिन अगर Y थर्सडे को फ्लाई करेगा तो फिर फ्राइडे को बाड़ी या W की आएगी या फिर